साइंस ट्यूशन में पढ़ती हूँ और मेरे 98% आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सुनाल दीदी के पास पढ़ा। और कितनी मेहनत करवाते थे आपको? बहुत मेहनत करवाते थे, मतलब स्कूल से ज़्यादा भी। मैंने सुनाल दीदी से ही, मतलब उनसे ही सब पूछा और करा, उन्होंने बहुत हेल्प की। मतलब अच्छा लगा, मैं पहले इतना नहीं कर पाती थी बट सुनाल दीदी की हेल्प से मैंने मतलब करा और अच्छा भी लगा जब रिजल्ट आया। और सबसे पहले मैंने सुनाल दीदी को ही कॉल करके बताया कि मेरे इतने परसेंट आए हैं। माय नेम इज महिमा सिंह, आई एम फ्रॉम क्लास 12th एंड आई गॉट 94%। एंड मैं सोनाली मैम से पढ़ी हूँ साइंस इंस्टीट्यूशन से। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड गुड टीचर एंड थैंक यू सो मच। मेरा नाम आरुषि शर्मा है, मैं साइंस ट्यूशन से सोनाली मैम से पढ़ी हूँ। मेरे 85% 12th क्लास में। बस यही बोलना चाहूँगी कि वो बहुत हार्ड वर्किंग टीचर हैं। जितना हम स्कूल से नहीं पढ़ पाते थे उससे ज़्यादा हम दीदी के पास पढ़े हैं एंड थैंक यू। इससे पहले भी आपने कहीं और पहले की क्लासों में कहीं ट्यूशन्स पढ़ी होगी, वहाँ पे पढ़ना और यहाँ पे पढ़ना में कैसा डिफरेंस आपको दिखा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब कि 10th में हमारे मैक्सिमम 79 परसेंट थी बट अभी बहुत ज़्यादा है, थैंक यू, अभी 85 है। मेरा नाम नितिन और मैं शिक्षा निकेतन से, स्कूल मेरा शिक्षा निकेतन है और मैंने मैम से ट्यूशन पढ़ी है साइंस ट्यूटोरियल से और मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया हमें और जितनी मेहनत मैम ने करवाई है इतनी मेहनत हमने खुद भी नहीं की है। स्कूल वालों ने भी इतना नहीं पढ़ाया और मैं अपना क्रेडिट मैम को देना चाहता हूँ और घर वालों को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत होप लगाई थी मेरे में कि मैं इतने कर सकूँ और मैंने किया और थैंक यू सो मच मैम। एंड घर वालों ने जितनी उम्मीद जताई थी यहाँ पे जब आपको यहाँ ट्यूटोरियल में डाला था, क्या उस उम्मीद पर खरा उतर पाए हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मेरे 85% है और वो मैम की वजह से ही है। टेंथ में कितने आए? टेंथ में कम थे बट अभी मैम थोड़ा स्किल्स और ट्रिक्स मैम ने कि टेंथ में बच्चे अच्छी परसेंटेज लाते हैं और ट्वेल्थ में आते ही कई बार डाउन हो जाते हैं, लेकिन आपने उसे अपग्रेड किया है तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चों को मतलब सही नॉलेज नहीं मिल पाती, सही स्किल्स नहीं मिलते हैं, ट्रिक्स नहीं मिलती हैं और मैम ने हमें सिखाया कि मतलब कैसे प्रेजेंटेशन करना है और कैसे कैसे करना है, पेपर कैसे करना है और फुल अटेम्प्टेशंस। सो इसलिए मैम को मैं थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ मैम को इसलिए। पर आपके बच्चों ने बड़ा अच्छा रिजल्ट पेश किया है, इनको मुबारकबाद देते हुए क्या शब्द कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि कल 12th बोर्ड रिजल्ट जो है वो आउट हुआ है और हमारे स्टूडेंट्स ने लॉरल्स लाए हैं। इनफैक्ट जितना मैं चाहती थी उससे ज़्यादा बच्चों ने प्राउड फील करवाया है। साइंस ट्यूशन्स एक नाम नहीं है, साइंस ट्यूशन इज़ अ ब्रांड, बिकॉज पंकज जी आप भी जानते हैं, जैसे कि आप पहले मेरे इंटरव्यूज़ खुद लेने आते थे और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट इन ग्रेजुएशन एज वेल एज इन मास्टर्स। तो मेरा ये एम स्टार्टिंग से ही था कि अपने आप को नरिश करना एक टास्क नहीं है, जब हम अपने साथ 10 लोगों को लेकर नरिश करते हैं।
उसका मजा ही कुछ और होता है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी प्रिविलेज्ड और कितनी खुश हूँ इन बच्चों के रिजल्ट्स के साथ, क्योंकि जब हमारे कंधों पे स्टार्स ऐड होते हैं उसका मजा, उसकी खुशी और जितनी कॉन्ग्रेचुलेशन हमें फैमिली ब्लेसिंग्स मिलती हैं उसका मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे पास स्टार्टिंग में हमने 3 बच्चों से शुरू किया था और आज हमारे पास अप टू 30 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब हमारी भीड़ में जो है वो जुड़ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड होने के नाते मैंने बच्चों को यही सिखाया कि किस तरह से खाली पढ़ाई हमारा मोटिव नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज, इनको साथ लेकर चलना और अपब्रिंगिंग जो है स्टूडेंट की वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जब कॉलेज में जाए तो वो नरिश्ड फील करे। हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक जो है वो सारे स्टूडेंट्स हैं और हम अपनी तरफ से 110% देने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ साथ इन स्टूडेंट्स ने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। ऑल दो मैंने इनको बहुत डांटा, अभी वही मैं बात कर रही थी कि दीदी आज कुछ बच्चे बोल रहे दीदी आज आपकी गालियां जो फूल की तरह नजर आ रही हैं, तो टीचर्स की गालियां कभी भी गालियां नहीं होती। टीचर हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो वो खुद थे उनसे ज्यादा ग्रूम करें, वही हमारा हार्डवर्क है, वही हमारी मेहनत और वही हमारी सक्सेस है, बिकॉज साइन ट्यूशन इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच। ट्यूटोरियल तक रखना चाहोगे? देखिए ये हमारे बिश्नाह के लिए बड़ा ही फख्र का समय है कि आज हमारे बच्चों ने यहाँ पे इतने अच्छे नंबर लेके जो है पास आउट किया है। तो किसी ने 98, किसी ने 85, 94, बल्कि ये देख के बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बिश्नाह में इतने नंबर सुनने को मिल रहा है, ये बड़े अचंभे की बात है। क्योंकि हमारा समय है तो हमें 200 बच्चे अगर क्लास में बैठते थे तो उसमें से 15 या 20 लड़के पास होते थे, हमें शर्म बड़ी शर्म महसूस होती थी कि हमारे में क्या कमियाँ हैं। आज ये साईं ट्यूशन सेंटर जो है सोनाली बैद जी चला रही हैं, जो कि खुद भी ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं, जो पोजीशन होल्डर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनका पढ़ाने का तरीका है क्योंकि उन्होंने खुद इतना अचीव किया है तो बच्चों को जो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हैं। आज बच्चे उनकी एजुकेशन लेके उनको उनसे पढ़कर आज इतने यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ कि सोनाली जो हमारी बैद जी छोटी बेटी है हमारी, ये आगे बढ़े और इसी तरह हमारा बिश्नाह जो है उनमें हमारे आगे जो बच्चे जो उन्होंने आज ट्वेल्थ में पास आउट किया है ये कोई आईएएस बने, केएएस बने, कोई आईपीएस बने, ये हमें तभी और खुशी होगी क्योंकि बिश्नाह में ये कम ही नाम सुनने को जब पढ़ते हैं कि जब हमें पूछते थे बिश्नाह में कितने आईएएस हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने चीफ इंजीनियर हैं, तो बड़ा कम मार्जिन मतलब के हमारा जो शेयर रहता था बिश्नाह का। तो आज जिस तरह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे बढ़ रहे हैं, हमें बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। मैं सोनाली बैद जी को और स्टूडेंट्स को इस मौके पर मुबारकबाद देता हूं और इनको मैं भगवान से दुआ करता हूं ये आगे बच्चे पढ़कर और हमारा बिश्नाह का नाम रोशन करें। अब थकान और पेट्रोल के खर्चे को कीजिए अलविदा क्योंकि आ गए हैं TNR के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो पॉल्यूशन एंड नो पेट्रोल। एनवायरमेंट फ्रेंडली स्कूटर्स जो दे 10 पैसे पर किलोमीटर का माइलेज। TNR के इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर लाने के लिए विजिट मेगा पावर सर्विसेज, बाईपास रोड, कुंजवानी।